अस्सलाम वालेकुम टू फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। हम भी यहाँ पर ठीक है। वेलकम बैक टू माई चैनल अलीज़ा ज़ोही व्लॉग्स। चार पांच दिन से माशाल्लाह माशाल्लाह कराची का वेदर इतना आउट क्लास है, अल्लाह करे बस ऐसे ही रहे। मुझे तो ऐसी मौसम पसंद है कि ज़्यादा बारिश ना हो, हल्की बूंदें गिरती रहें, छांव हो, धूप ना हो, और सारा साल ऐसी मौसम रहे तो क्या ही बात है। पर इस मौसम में ना आपको अफसुर्दगी भी बहुत होती है, स्पेशली जब आप अकेले होते हैं और आपका यू नो पार्टनर आपके साथ नहीं हो, या फिर घर में आपके और लोग ना हों, सिर्फ आप हों बच्चों के साथ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर वक्त के साथ साथ आप आदी हो जाते हैं अकेले रहने के, जैसे कि मैं। पर मुझे अकेलापन कभी कभी खाता भी है, ज़ाहिर है आप बड़े अजीब से हो जाते हैं। सो खैर, आज मैं आपके साथ अपना रैंडम व्लॉग शेयर कर रही हूँ कि घर में क्या होता है, कैसे होता है, और यहाँ हमारी मस्तियाँ चल रही हैं, क्योंकि मेरा मेरे बच्चों के साथ रिलेशनशिप ऐसा है। मैं स्ट्रिक्ट भी हूँ, गुस्सा भी करती हूँ, पर मोस्ट ऑफ़ द टाइम यू नो मेरा जो बच्चों के साथ होता है ना, मैं उनकी ही उम्र की बन के उनके साथ ट्रीट करती हूँ। उन्हें डांट डपट भी बड़ी होती है, सो जो जितना इस तरह के नेचर के होते हैं ना, फिर उनके अंदर एक ये कीड़ा भी होता है डांटने वाला। सो खैर, मेरे बच्चों की चॉइसेस खाने में ना बिल्कुल मेरी तरह, स्पेशली आहिल की। सो आहिल तो वही खाता है जो मुझे पसंद है, मतलब वो इतना कॉपी कैट वाला सीन है नेचुरली। तो वो लेकर आया था अपने बाबा के साथ कॉर्न, और कॉर्न मैं कैसे बॉईल करती हूँ, कॉर्न की जो स्किन होती है उसके साथ ही बॉईल करती हूँ। आप लोग ये करके देखिएगा, 20 मिनट में हार्डली आपके ऐसे नरम दाने हो जाते हैं ना, जैसे बाहर आपको मिलते हैं सेम वैसे ही। पर हमेशा जो है ना, कॉर्न आप लें तो नरम दानों वाला लें, मिल्की कॉर्न जैसे हम कहते हैं, बहुत येलो वाला ना लें जिसके हार्ड दाने होते हैं, वो मज़े के भी नहीं होते, मुझे तो नहीं अच्छे लगते। तो मेरे बच्चे इतने खुश थे क्योंकि मौसम अच्छा था और उनको ये खाने थे। जब से बॉयल हो रहा था तब से मामा कौन, मामा कौन। तो आहिल को इतना ज़्यादा बोलना तो आता नहीं है, सो ये भी मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी ये वाली चीज़ भी, और आप लोग को भी कुछ इस बारे में गाइड करूँगी कि जो बच्चे जल्दी नहीं बोल पाते। यहाँ हमारे कॉर्न भी बॉयल हो चुके हैं, इनको मैंने हाफ हाफ कर लिया है। इस पर मैंने खूब स्पाइसी सा बना के, खैर खूब स्पाइसी नहीं, यानी कि स्पाइसी मेरे बच्चे चटोरे हैं, स्पेशली नाइल जो है ना आजकल, उसको चटपटा खाने का, और मैं उसको छेड़ ही होती हूँ। और यहाँ पे ये देखें, दे आर वेरी एक्साइटेड, और हम अपना वक्त ऐसे ही गुजारते हैं, अकेले लोगों की ज़िंदगी कुछ इसी तरह की होती है। और नाइल का तो ये है कि अब उसके स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं, नाइल नीचे भी जाता है खेलने, ऑलमोस्ट कोई 1.5 घंटा उसको इजाज़त है नीचे खेलने की। सारे नीचे नेबर्स के बच्चे होते हैं, सब खेलते हैं, और जब बारिश वगैरह भी होती है तब भी खेलते हैं, और यूजली हम तीनों ही एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इन दोनों की लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, और ये देखिए मुझे मस्के भी लग रहे हैं, मामा को प्यार भी किया जा रहा है। सो यही वाला सीन जो है ना बच्चों के साथ चलता रहता है, रिश्वत, प्यार वाली रिश्वत, क्योंकि मैंने इनको कॉर्न बॉयल करके दिए। सो आप लोग कैसे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमारा तो बस ऐसे ही वाला सीन होता है। और अब आज मैंने सोचा कि मैं बच्चों को लेकर जाऊंगी पार्क, और हम बनाएंगे एक छोटी सी मिनी पिकनिक सिर्फ हम तीनों। और यहाँ पे मैंने फ्राइज़ कट करी थी, मैंने इन लोग बच्चों को दोपहर में सुला दिया था, मैं भी लेट गई थी, और यूजली मेरा यही होता है 3 बजे से लेके 5 बजे मेरे बच्चों का नैप टाइम है, मैं भी उनके साथ लेट जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने सारे काम 1-1.5 बजे तक सब ख़त्म कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद शाम में फिर मगरिब से स्टार्ट हो जाती है रात की तैयारी वगैरह, और जो फिर मेरे बेकिंग का सारा मेरे ऑर्डर वगैरह होते हैं, तो फिर उसका तो एक अलग ही सिलसिला है, उसकी भी वीडियो मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो मैंने बच्चों को ना ये रिश्वत दे के सुला दिया था, भुट्टे खिला के, और खाना भी वो माशाल्लाह से पहले खा चुके थे, ये कह के कि हम पार्क जाएंगे, अभी तुम लोग आराम से सोचो। सो बच्चे सो गए थे, कुछ 4:30 बज रहे थे जब मैं उठ गई थी,
और मैंने तैयारी करना शुरू कर दी थी। यहाँ मैंने फ्राइज़ कट कर लिए। मैं फ़्राइज़ थोड़े मोटे काटती हूँ, जैसे हम बाज़ार में मिलते हैं ना, थोड़ा वैसा मोटा मोटा फ्राइज़ कट करके कॉर्नफ्लोर अच्छा खासी डाल के और उसे ऐसे शफल कर लेती हूँ। सो अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर ना मिक्स हो जाता है। एक बड़े से बोल में हमेशा डाला करें ताकि कॉर्नफ्लोर आपका अच्छे से हर आलू के ऊपर लग जाए। फिर मैं उसे डीप फ्राई कर लेती हूँ। सो इंस्टेंट के हम बाहर से कुछ ख़रीदें या फिर हम बाहर से फ्राइज़ लें, मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं पैसे भी बचा लूँ, साथ में घर की बनी हुई चीज़ बाहर लेकर जाऊँ। ऐसा नहीं है कि हम बाहर नहीं खाते, खाते हैं बाहर का, पर महीने में कोई हार्डली एक से दो बार, हार्डली। मैं हमेशा, आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं घर में ही चीज़ें बनाती हूँ। इवन मैं अपने इंस्टा स्टोरी पर भी शेयर करती हूँ, तो हर चीज़ होममेड होती है। तो होममेड में क्या होता है कि हाइजेनिक तरीके से आप बनाते हैं, आपके पैसे भी इतने बचते हैं, क्वांटिटी भी ज़्यादा। मुझे हमेशा से बाहर की चीज़ों का इख्तलाफ ये रहा है कि बाहर आपको ना क्वांटिटी बहुत कम मिलती है, और अब तो चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं ना कि बेहतर है घर में इंसान बनाए, दिल खोल के पेट भर के खा तो लेता है और फिर अफसोस भी नहीं होता कि इतने पैसे चले गए। तो यहाँ पर ये देखे शॉर्ट लेके घूम रहे हैं, बच्चे उठ गए थे, इनको मैंने उठा दिया था कि चलो बस मेरा काम हो गया है। साथ साथ मैंने चाय भी बना ली। और ये वाले जो ग्लास होते हैं ना, मग्स होते हैं, वैसे ये मग्स तो नहीं है, सिपर ग्लास हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं, जो हमें बाहर कॉफ़ी भी जिन डिस्पोजेबल्स पे मिलती है ना, ये प्लास्टिक के होते हैं। सो ये मैंने चेज़अप से लिया था और ये इतना अच्छा है, इसमें इतनी अच्छी गर्म रहती है कॉफ़ी चाय जो भी आप डाल लें, ये हैंडी भी होता है, बस आप इसमें डाल और अपने साथ जा लेकर जाना, ले जाएँ आराम से, ट्रैवल कर रहे हैं या फिर पैदल चल के जा रहे हैं। सो मेरे घर से तो वॉकिंग डिस्टेंस पे पार्क है। सो मैंने इसके अंदर चाय डाली, फ्राइज बनाए। सो मेरे ले लो और ये लाइट ऑफ कर, टीवी लॉच वाली जला के रख लो। हाँ जल्दी आओ, लाइट ऑफ करो ना स्विच, किचन किचन वाला जलाए रख। सब ले लिया ना, चलो आ जाओ। सब जगह हो रहा है पानी और मेरी चाय लेके जा रही हूँ मैं। ये रही बच्चा पार्टी, आर यू गाइस हैप्पी? इनको इतना ना देते, इनको जब ये तराते हैं तो इनकी चाल बदल जाती है। हो गया है, अभी बज रहे हैं पार्क। वाह मौसम चेक करो, मौसम तेज हो गई, बारिश। अरे यार और ये देखिए हमारे आते ही बारिश, चलो खेलो बॉल से। सो हम आ गए हैं पार्क अपनी सारी चीज़ों के साथ, पानी की बोतल भी रख ली थी, मेरी चाय, और मैं चाय बैठ रही हूँ। आहिल का क्या है, आहिल का निकलना मेरी तरह ही बहुत कम होता है, नाहिल तो स्कूल भी जाता है फिर नीचे भी खेलने जाता है। सो आहिल मेरी तरह बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो गया, तो हमारा बाहर निकलना कम ही होता है। तो जब ये नीचे उतरता है ना या पार्क जाता है कहीं जाता है, तो ये बड़ा स्टंड होता है, मतलब ये बड़ी हैरत हर चीज़ देख रहा होता है, विच इज़ लाइक मुझे लगता है मुझे बहुत ऑफ्टन या फिर बहुत फ्रीक्वेंटली जाना चाहिए। पर अब मैंने सोचा कि मैं आहिल को लेके जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा निकला करूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए ह्यूमन एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। सो यहाँ फ्राइज भी रख लिए, बच्चों के फेवरेट। नीचे बारिश हो रही है, हमारे नीचे उतरते ही बारिश शुरू हो गई है, ये क्या बात हुई है, बारिश। अलमिया हम चाय पी लें, हम खा लें, उसके बाद कर दें दोबारा, अभी हमें एंजॉय करने दे वेदर, है ना, है ना। रुक ही नहीं रही है यार, ये देखो
आज मैं नोटिस कर रही थी, इवन मैं हमेशा ही आप लोगों को कहती हूँ कि मैं जब फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाती हूँ तो मैं इतनी ब्रॉड लगती हूँ और स्टिल मेरा वेट लगता है, और जब मेरी बैक कैमरे से कोई और वीडियो बनाता है सो वो मैं असल में हूँ। मतलब जब मुझे कोई असल में देखता है ना तो मैं रियलिटी में वैसी मतलब हूँ, और फ्रंट कैमरे से मैं बहुत ब्रॉड दिखती हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सो खैर ये देखें हमारे पकौड़े भी आ गए, और ज़िंदगी यू नो चलती रहती है। आपकी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल होती हैं पर आप उसे थोड़ा कम कर सकते हैं, ओवर यू नो अपने ऊपर से उस बर्डन को थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी इस दौर में इस वक्त में मुश्किल ही है, स्पेशली अकेले रहने वालों की। और जब आप सारा दिन अकेले रहते हैं तो आपको थोड़ा सा अपने आप को हल्का करना पड़ता है, थोड़ा खुली हवा में निकलने का अपने आप को मौका दें। आज मैंने अपने आप को मौका दिया, यूजली मैं बहुत घर बहुत एरोप्लेन कहाँ है के लिए मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बनाती, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सच कुछ हैपनिंग नहीं है, प्रैंक्स की वीडियो मैं बना सी नहीं सकती क्योंकि मैं हमेशा उसके अगेंस्ट रही हूँ, और इससे ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँगी, क्योंकि ज़िंदगी जी मेरी है बड़ी ही कोई बोरिंग। सो जितना मैं शेयर कर सकती हूँ मैं उतना आप लोगों के साथ करूँगी, बाकी मेरे काम से रिलेटेड तो मैं इंस्टा पर शेयर करती हूँ या फिर मैं अपने दूसरे चैनल पर शेयर करती हूँ। बस आज का कुछ ऐसे ही टाइम गुजरा बच्चों के साथ, बहुत ही अच्छा। जहाज आज बड़े जहाज जा रहे हैं।